Hello students, the next topic is stoichiometric defect and their type. ये हमने डिस्कस किया था कि जो stoichiometric defect हैं इनमें जो stoichiometric composition होती है किसी क्रिस्टल की वो चेंज नहीं करती है, मतलब जो नंबर ऑफ द कैटायन एंड एनायन रिप्रेजेंटेड होते हैं केमिकल फार्मूले के द्वारा, और एक्चुअली जो किसी क्रिस्टल में पाए जाते हैं वो बिल्कुल सेम रहते हैं। जैसे हमने बात की थी NaCl क्रिस्टल की, जिसमें जो केमिकल फार्मूला है वो रिप्रेजेंट करता है कि वन मोल NaCl में वन मोल Na पॉजिटिव होने चाहिए और वन मोल ही Cl नेगेटिव आयन होने चाहिए। तो ये जो केमिकल कंपोजिशन है किसी पर्टिकुलर क्रिस्टल की एज रिप्रेजेंटेड बाई केमिकल फार्मूला एंड एक्चुअली फाउंड इन द क्रिस्टल दैट रिमेन सेम, सो सच टाइप ऑफ क्रिस्टल आर स्टोइचियोमेट्रिक क्रिस्टल। तो इस प्रकार के क्रिस्टल में दो प्रकार के डिफेक्ट पाए जाते हैं, एक होता है शॉटकी डिफेक्ट और दूसरा होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। देखिए ये जो शॉटकी डिफेक्ट है इट इज़ ए टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट, इट इज ए टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट एंड सेकेंड टाइप ऑफ डिफेक्ट है दैट इज फ्रैंकल डिफेक्ट, इट इज ए टाइप ऑफ इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। सो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल एट द लैटिस पॉइंट होते हैं वो मिस होते हैं, बट इन केस ऑफ इंटरस्टीशियल डिफेक्ट एक्स्ट्रा कैटायन और कैटायन में ऑक्यूपाई द इंटरस्टीशियल स्पीसीज विच आर प्रेजेंट इन द क्रिस्टल लैटिस। यदि हम शॉटकी डिफेक्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइट, मतलब यदि दो कैटायन होंगे तो दो एनायन ही लैटिस पॉइंट से क्रिस्टल के वो मिस हो रहे होंगे, और यदि एक कैटायन है तो एक ही एनायन जो है आपके क्रिस्टल से मिस हो रहा होगा। सो दैट टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज विच इज फाउंड ऑन द क्रिस्टल दैट रिमेन सेम। इस केस में शॉटकी डिफेक्ट के केस में जो डेंसिटी होती है क्रिस्टल की वो डिक्रीज कर जाती है, बिकॉज नंबर ऑफ द पार्टिकल डिक्रीज करते हैं तो ऑब्वियसली जो मास है क्रिस्टल का वो डिक्रीज करता है, बट वॉल्यूम में कोई अप्रिसिएबल चेंज नहीं आता, तो इट मीन्स दैट डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल शुड डिक्रीज। द अदर इफेक्ट ऑफ दिस शॉटकी डिफेक्ट इज दैट द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वैल्यू फॉर द क्रिस्टल दैट अंडरगो नो चेंज। डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट रिप्रेजेंट द चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द क्रिस्टल, सो देर इज नो चेंज इन द चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द क्रिस्टल व्हेन सच टाइप ऑफ डिफेक्ट अराइजेज इन स्टोइचियोमेट्रिक क्रिस्टल। ये जो शॉटकी टाइप के डिफेक्ट हैं ये उन टाइप के सॉलिड्स में पाए जाते हैं जहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है कैटायन टू एनायन का वो हाई होता है, जैसे कि NaCl का क्रिस्टल है या सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, इनमें क्या होता है जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हाई होता है और दे सो सच टाइप ऑफ डिफेक्ट शॉटकी डिफेक्ट। ये जो सेकेंड टाइप का डिफेक्ट है विच इज़ ए टाइप ऑफ इंटरस्टीशियल डिफेक्ट, इसमें क्या होता है जो आपके एक्स्ट्रा कैटायन है या कैटायन है वो इंटरस्टीशियल साइट में चले जाते हैं और अपनी नॉर्मल जो लोकेशन है उनकी जो लैटिस पॉइंट है उसको छोड़ के वो आपके इंटरस्टीशियल साइट या जो वॉइड्स होते हैं क्रिस्टल में वहाँ पे चले जाते हैं, एंड इट इज़ ए टाइप ऑफ इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। इस केस में क्या होता है जो डेंसिटी है क्रिस्टल की वो चेंज नहीं करती है, मतलब जितनी डेंसिटी क्रिस्टल की बिफोर अराइज ऑफ डिफेक्ट है वो उतनी ही डिफेक्ट अराइज होने के बाद जो है क्रिस्टल में रहती है, और इस केस में जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू है किसी क्रिस्टल की वो इंक्रीज कर जाती है, मतलब चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी जो है किसी क्रिस्टल की इंक्रीज करती है। देखिए चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी कैसे इंक्रीज करती है, बिकॉज इस केस में आप देख सकते हैं जो दो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो नियर अबाउट हैं ईच अदर, सो जितने चार्जेस सेम चार्जेस यदि नियर अबाउट होंगे किसी क्रिस्टल में इट मीन्स दैट क्रिस्टल कैन होल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ द चार्ज एंड सच टाइप ऑफ क्रिस्टल्स आर हैविंग हाई वैल्यू ऑफ द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ये जो फ्रैंकल डिफेक्ट है इट इज़ फाउंड इन द क्रिस्टल विच है लो वैल्यू ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर, फॉर एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड आर जनरली एग्जाम्पल ऑफ द क्रिस्टल्स विच सो फ्रैंकल डिफेक्ट। थैंक यू।